बस बिहार जाते आओ हैं। हमारे बिहार में, ठोक देंगे गोली का पार में। अच्छा, हमको सिखा रहा है। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, गोड लाते हैं और वेलकम करता हूँ आप सभी को मैं एक न्यू ब्लॉग में। तो जैसे कि मेरा शॉर्ट वीडियो जो था वो देखे थे, मेरा भैया जी के साले साहब आए हैं तो बोल रहे थे भाई हम कल चले जाएंगे, तो कुछ हम यहाँ का एक ग्रीन ढाबा, जैसे कि मैं हर वीडियो देखता हूँ जब भी पार्टी होती है या कुछ भी हमारा कुछ प्लानिंग रहता है तो हम जाते कहाँ, ग्रीन ढाबा। तो आज भी ठीक हर दिन की तरह, सॉरी कभी कभी की तरह, इस बार भी हम जाएंगे ग्रीन ढाबा, और इस बार हम, मेरे बड़े भैया और भैया जी के साले साहब तीनों जाएंगे। तो लाइन में बने रहे और पूरा फुल वीडियो देखिएगा। जो नए हो प्लीज 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 मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वरना आप लोग को पाप लगेगा पक्का। रात का ठीक 9 बजे का आपको भूख लगेगा तो मेरा वीडियो जो सब्सक्राइब नहीं करेगा उसके लिए यही पाप है। तो चलो लाइन में बने रहो, चलो। पे आप लोग पहले खाना खा चुके हैं ना? खाने का मन डबल है, मैं उतर जा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो फाइनली हम आगे ढाबा चलते हैं अंदर। हाँ तो ऑर्डर क्या क्या है? हैं? पनीर हाफ कितना? टू दो पनीर हाफ और नान ना तीन ना। हाँ तो सर आपको उड़ीसा में आके कैसा लगा बताइए बताइए। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। बताइए उड़ीसा में आपको आके कैसा लगा? नॉर्मल थाली 70 और स्पेशल थाली 130 रुपये, यही लगाया। तो सर बताइए आपको उड़ीसा में आके कैसा लगा? बहुत बढ़िया ना। यहाँ जो आप कहीं कहीं घूमने गए थे आज? हाँ गए थे, बाहर घूमने गए थे। बाहर जगह का नाम क्या? जगह का नाम तो याद नहीं कुछ। अच्छा जगह कैसा लगा बताइए? जगह बढ़िया था, काफी मतलब गर्म माहौल था, और जैसे कि गर्म एरिया था और कुछ बार बार पे भी चढ़े थे। मैं पागल हूँ। वो पहाड़ का नाम क्या था? उलावगढ़। अच्छा उलावगढ़ पहाड़। और यहाँ का सबसे बेस्ट पिकनिक स्पॉट है उलावगढ़, पास में भी और बहुत अच्छा जगह है। तो हम कभी आपके बिहार में आएंगे तो हमको घुमाएंगे ऐसा जगह में? बहुत ऐसा जगह। तो हमको घुमाएंगे कि नहीं हम पूछ रहे हैं? तो चलिए कभी बिहार जाते हैं। आओ हमारे बिहार में, ठोक देंगे गोली का पार में। तो फाइनली हमारी खाली थाली आ चुकी है और यहाँ देखिए प्याज का ड्रॉइंग बनाया जा रहा है और पेंटर का नाम है मिस्टर राहुल ठाकुर। लेना सर फोड़ के, सबु प्याज फोड़ के, खाम तुर तुर के, लंका ठेसी देले सबु राखो बारी तुमरे को। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तो ये हमारा पहला ऑर्डर पनीर मसाला आ चुका है, अब नान का वेट करते हैं। नान आने के बाद अबे क्या कर रहे हैं भाई, ले आओ। देखे
आ से देवाशीष भाई ना से देवाशीष भाई जो थिले से देवाशीष ना कोना थिला ना जरे देवाशीष हां बोल देगा ना नहीं खाना है नहीं खाएगा बोलेंगे जाओ तो बोलते रहेगा वो हिलेगा नहीं अब बार बार मुंह देखेगा देखेगा तो ऐसे करेगा फिर छोड़ देंगे तो बोलेंगे खा लो और उसके बाद पेट भरने के बाद आप कितना भी कोशिश कीजिए खिला दे उसको नहीं खाएगा पेट भर जाए उसका पोटा पूरा फूल हो जाना चाहिए खा लेंगे बच्चों खा लेंगे बच्चों टिंडा जी था तेल का ना तेल में रोटी का इसका साइज ज्यादा बड़ा है फाइनली हमारा जो खाना आया हुआ था वो तो देख ही चुके हैं। हम जो कि आते हैं उसका फिर आप सबके साथ मिलते हैं। तो अब चलते हैं घर क्योंकि कल दोपहर में इनको स्टेशन भी छोड़ने जाना है। तो चलो मिलते हैं अब आपसे कल। बैठिए The next day तो हम इसी तरह जाते रहते हैं। और ये हमारा बीजू पटनायक जी का स्टैचू है। ये चलो अब चलते हैं बैठे बन रही और देख रही है। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए ब्रजराज नगर स्टेशन। तो भाई लोग हमारा साउथ बिहार ट्रेन 3 नंबर प्लेटफॉर्म में आएगी अनाउंसमेंट हो गया है। तो हम लोग सोचे इधर के बैठे जाके उधर ही बैठे रहते हैं अपना टाइम पास भी होगा। तो ट्रेन का आने से पहले हम अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे। तो फाइनली ट्रेन आ चुकी है और इनका जाने का हड़बड़ देखो कितना हैप्पी है कि इनका घर अब जा रहे हैं।